कुंभकर्ण की नींद सो रही कमलनाथ सरकार। जनता की जान की फिक्र नहीं है कमलनाथ सरकार को। खबर लगने के बाद भी नहीं भरे जा रहे हैं सड़कों के गड्ढे। आखिर क्यों सरकार इतनी बेखबर? आखिर सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे? या फिर किसी बड़ी घटना के इंतजार में है शासन प्रशासन? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ लीली। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सड़कों पर पानी भरने से और मरम्मत ना होने से सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। हाल तो ये है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार कहाँ सोई है। उज्जैन जिले के तराना तहसील के कनासिया नाका जोड़ पर बारिश के चलते काफी दिनों से गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई। क्षेत्र की जनता की माने तो अभी बारिश के चलते सड़कों पर गड्ढों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। क्या कमलनाथ सरकार में ऐसे ही गड्ढे देखने को मिलेंगे या फिर प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर गड्ढों की मरम्मत कराएगा? क्षेत्रीय विधायक महेश परमार का कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद तत्काल अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेने को कहा है और इसकी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी वह कराई जाएगी और गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। ये इनको कम से कम 2-2.5 महीने हो चुके सर, और इनके लिए कोई प्रशासन ना ध्यान दे रही है ना कोई व्यवस्था कर रही है। आए दिन सुबह शाम, एक दो दिन में सुबह शाम में 24 घंटे कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाती है इसके। और ये पानी का न तो निकास और न प्रशासन किसी चक्कर पर ध्यान दे रही है इसके। इन्हें कम से कम 3 महीने से कम से नहीं हुए थे अभी तक किसी अधिकारी, ठीक है किसी नेता या किसी पंच या गाँव या नगर निगम कोई तक रोड तरफ नहीं जाके किसी। ये रोड NH3 था, नेशनल हाईवे था हमारा, अब बाईपास पूरा नया 4-लेन हाईवे बन गया। उसके बाद अधिकारी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और इस बार बहुत अतिवृष्टि हुई, भगवान कृपा से बारिश अच्छी हुई। तो क्या कारण है, मैं PWD के अधिकारी से, ई से और हमारे SDO से बात करूंगा और कलेक्टर से बात करके तत्काल उसको ठीक कराएंगे। क्योंकि पिछली बार ये मुख्य रोड था तब NH3 एक नया रोड बन गया, तो ये कौन सा विभाग इसको काम करके इसको समझ के इसको तत्काल कार्य करवाएंगे। इसका आज रविवार है, कल अधिकारी से PWD के ई से बात करके क्या स्थिति बनती है, फिर मैं उससे बात करके आपको बताऊंगा कब तक बन जाएगा, जितना जल्द से जल्द बन सके इतना। क्योंकि अभी बारिश में तत्काल तो ऐसी व्यवस्था करा दें कि चोरी कोई दुर्घटना नहीं घटे, अभी तत्काल व्यवस्था तो तत्काल करा देंगे। नेशन वन के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से गोपाल अंजना की रिपोर्ट। और इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।